किसका सरकार था यहाँ पर? एनपीपी, बीजेपी, यूडीपी, हाँ या नहीं? सब सत्ता का मिलाई खा रहे थे, सब एक साथ थे, हाँ, तब कोई भ्रष्ट नहीं था, ठीक है। अब तीनों अलग अलग हो गए हैं, अब सब एक दूसरे को भ्रष्ट बोल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जब सत्ता थी, सरकार थी, तो सब मजे से पैसा लूट मचा रहे थे। चुनाव आया, सब एक दूसरे के सामने लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, जैसे उनको मालूम नहीं है। यहाँ की जो आपकी एमएलए थी, हमने उसको टिकट दिया, उसको आपने वोट दिया, वो लंबे समय तक, क्या नाम है उनका, अमरीन, 15 साल, कम होते हैं 15 साल, बच्चा भी जो पैदा हुआ था ना वो 15 साल का हो गया। जब पार्टी को पता लगा, लोगों में सर्वे से पता लगा कि लोग उससे नाराज हैं, तो क्या हुआ, पता लगा था टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए कहां चली गई, पार्टी बदल दिया। लेकिन लोग थोड़ी ना बदलेंगे, लोग कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और मैनुअल बंटवार को ही वोट देंगे। आपको मालूम है, गूगल करिएगा, मैंने भी गूगल, एक नाम गूगल करेंगे, एक नाम है जिसका नाम है बर्नार्ड एम मारक, बर्नार्ड एम मारक, जानते हैं कौन है, गूगल करिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज फ्रंट पे क्या लिखा है, जेल्ड, जेल्ड मेघालय बीजेपी लीडर बर्नार्ड मारक ग्रांटेड बेल इन 3 years old गर्ल्स रेप केस। इस आदमी ने 3 साल की, क्या होता है 3 साल की, ये बच्ची का उम्र कितना है, एज 3 साल है ना, इस आदमी ने हमारी 3 साल की एक बच्ची का बलात्कार किया, इसको जेल हुआ, बीजेपी ने इसका बेल करवाया, ये अभी जेल में नहीं है, बेल पर है, और इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसको टिकट दिया है, ये चुनाव में खड़ा है, वोट देंगे बीजेपी को, वोट देंगे बीजेपी को, क्या नारा था, बेटी बचाओ, क्या नारा था, क्या कर रहा है ये आदमी, बेटी बचाओ नहीं, बेटी बेच रहा है, बेटी का बलात्कार कर रहा है, जेल में होना है, लेकिन भाजपा ने टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है, जीतेगा तो क्या होगा, ऐसे लोगों को वोट देना है। आपकी यहाँ की जो एमएलए महिला है ना, ये जो बात मैं बोल रही हूं, उन्होंने बताया कभी आपको, कभी इसके खिलाफ बोली वो, क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं बताते आप लोग, क्योंकि आप सब सत्ता के लिए एक हो जाते हैं। आज बहनी बैठी है, गैस का सिलेंडर कितने का है, गैस का सिलेंडर कितने का है यहाँ पर, 1150 रुपए का सिलेंडर, सस्ता है महंगा है, सस्ता है, सस्ता है, और तेज बोलिए महंगा है, ताकि दिल्ली में जो सरकारों से सुनाई दे कि सिलेंडर 1150 का है और वो महंगा है, लेकिन सरकार को लगता है महंगाई नहीं है, 1150 रुपए सरकार के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो सरकार करोड़ों रुपए का चूना लगा रही है, आपका भ्रष्टाचार करके आपका पैसा जो आपके पास आना था, बैंक में सब्सिडी आ रहा है गैस का, चूल पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, पेंशन आ रही है, आप में से कितनों को सरकारी पक्की नौकरी मिली है कोई बता सकता है, यंग बॉयज खड़े हैं, लड़के यहां, यंग लोग, हाँ, सरकारी पक्की नौकरी मिली आपको, पीछे खड़े हैं, मोदी जी क्या बोले, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आनी थी, 10 हाथ नहीं खड़े होते जो कहेगा हमें नौकरी मिली है, क्योंकि किसी को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इश्यू, महंगाई मुद्दा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री गृहमंत्री प्रचार करते हैं,
यहां रोजगार आना था, यहां क्या आ रहा है? नशा। यहां से सुबह गुवाहाटी से फिर वहां जाकर हमारे जो विंसेंट पाला कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, शिलांग के सांसद एमपी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई। बुजुर्ग मां बाप रो रहे थे, हाथ पकड़ कर बोला, सोचा था बेटे के लिए नौकरी मांगेंगे, पर बेटा नौकरी नहीं है, नशा कर रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं नशा मुक्ति केंद्र चाहिए। मां बाप मांग के ना क्या है, नौकरी मांग क्या रहे, नशा मुक्ति केंद्र, ये हाल हो रहा है। यहां पर सारा नशा आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है नशा? सारा ड्रग्स, सारा नशा पूरे देश में, कहीं और से नहीं, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां से देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिसके पास सारे बॉर्डर से होम मिनिस्ट्री, वो अमित शाह जिस गुजरात से आते हैं, नशा उस गुजरात से आ रहा है। गुजरात में भी एक जगह है जिसका नाम है भुज। गुजरात के इस भुज में समुद्र के किनारे है, इसलिए एक बंदरगाह पोर्ट है। उस पोर्ट का, बंदरगाह का मालिक कौन है? गौतम अडानी। और अफगानिस्तान पाकिस्तान से सारा देश के अंदर नशा गुजरात के भुज के मुद्रा अडानी पोर्ट से देश में जा रहा है। बात तो ये कही थी कि रोजगार देंगे, जॉब देंगे, आज सब काम यहां पर बंद है। आपके पास समय है 27 फरवरी को सोचकर वोट करिएगा। अभी किसी और राज्य में थी, वहां पर बहनों को पूछा किसको वोट दोगी, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, वोट ही तो देना है, दे देंगे जिसको देना है, बटन दबाना है दबा देंगे। ये इतना आसान है कि जिसको देना है दे देंगे, एक बटन ही तो दबाना है, सुबह जाकर 27 तारीख को दबा देंगे, या इतना आसान नहीं है। एक बटन दबाते ही मेघालय का आपका 5 साल का सब उनके हाथों में चला जाएगा, जिसका चुनाव चिन्ह और बटन दबाकर आएंगे। आज आपने कहा सिलेंडर कितने का है, 1150 का। हमारी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत, अभी फैसला किया है गैस का सिलेंडर 800 का हो, 1000 रुपए का हो, 1200-1500 का हो, वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर एक को सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। यहां हमारी सरकार आएगी सिलेंडर 1250 का नहीं 500 में मिलेगा, सिर्फ 500 में। हमारी सरकार हिमाचल में है, डबल इंजन की सरकार बोला, हमारे पास दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्री बोले हमारी राज्य में स्टेट में गवर्नमेंट सरकार बनाओ, है ना, डबल इंजन की सरकार बनाओ। लोगों ने क्या किया, सरकार बनाई, दोनों हाथ में लड्डू, यहां दिल्ली मिल गया और यहां पर इन्हें स्टेट्स मिल गए। भाजपा के हाथ में तो लड्डू आ गया, लोगों के हाथ में क्या आ गया, कटोरा, एक में बेरोजगारी और एक में महंगाई। हार गई हिमाचल में भाजपा, पिछले महीने चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कांग्रेस ने हराया है। वहां पर भी महिलाओं ने कहा महंगाई है, गुजारा नहीं होता है, महंगाई से राहत चाहिए। वहां की सरकार, हिमाचल की कांग्रेस की सरकार, हर महिला को उसके बैंक खाते में 1500-1500 रुपया दे रही है। हमने भी यहां फैसला किया है 27 को वोट करेंगे, 2 मार्च को रिजल्ट आएंगे। सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला कि जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को ताकत देने के लिए, महंगाई की मार से बचाने के लिए, हर महिला को हर महीने की पहली तारीख को 3000-3000 रुपया हम देंगे। ये कांग्रेस सरकार का वायदा है। लोग कहते हैं, पार्टी कहती है आएंगे हम देंगे, लेकिन हम आए हैं हिमाचल में, हम आए हैं राजस्थान में और हम दे रहे हैं। हम यहां पर आएंगे, वो
मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हैं, साफ भी रिकॉर्डिंग कर रही है कि अलका लांबा दिल्ली से आई थी, राहुल गांधी जी 22 को आ रहे हैं, दोबारा बोलकर जा रहे हैं 18,000 करोड़ का मेघालय की सरकार का बजट है साल में। आप लोग जो टैक्स देते हैं आटे पर भी GST, माचिस की डीपी लेंगे वो दुकान का जो भी सामान बिक रहा है सब पे टैक्स है, आटा दाल चीनी माचिस सब पे टैक्स। आप ये टैक्स देते हैं, ये पैसा कहां जाता है? सरकार के खजाने पर। कितना पैसा होता है सरकार के पास एक साल में इकट्ठा? 18,000 करोड़। अगर उस 18,000 करोड़ में से हम हर महिला को 3,000 रुपए दे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपका पैसा है, आप टैक्स देते हैं और हम आपका पैसा ईमानदारी से आपको दे रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री आए यहां पर, बोला मेघालय देश का नंबर एक करप्ट भ्रष्ट स्टेट है। अमित शाह जी, मेघालय करप्ट नहीं है, मेघालय के लोग करप्ट नहीं है, मेघालय के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो करप्ट नहीं है। अमित शाह जी, करप्ट अगर कोई है तो मेघालय नहीं, मेघालय की आपकी सरकार करप्ट है जिसने 18,000 करोड़ लूटा लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं आप सभी से कहूंगी, कहने को बहुत बातें हैं लेकिन 22 तारीख को जब श्री राहुल गांधी जी आएंगे तब भी आपके साथ हम खुलकर बात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं अभी आपसे बात करनी है क्योंकि फैसला लेने से पहले आपके और हमारी बात होना जरूरी है, क्योंकि आप मैनुअल जी के लिए यहां पर आए हैं, दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं, वो भी मीटिंग कर रही हैं, वो भी अपनी बात को रख रही हैं। सुनो सबकी, सबकी सुनो, लेकिन ये सोचो कि 5 साल में मेघालय को कितना पीछे कर दिया है। मैं मेघालय में आई तो मैंने देखा यहाँ पर शिवरात्रि की पूजा हो रही है, सब भगवान शिव के मंदिर के बाहर खड़ी बहनें पूजा कर रही हैं। इस संडे को देखा तो मेघालय में ऐसा लगा कर्फ्यू लगा हुआ है, एकदम सन्नाटा था, तो बोला मेघालय संडे को आराम करता है, अगर आपको कहीं जाना है तो चर्च जाओ। और मैं सुबह 8 बजे चर्च गई, चर्च में प्रेयर अटेंड किया। यहाँ पर शिवरात्रि होती है, यहाँ चर्च में प्रेयर होती है और यहाँ पर मस्जिद भी मैंने एक जगह देखी। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं, लेकिन भाजपा क्या कर रही है? नफरत के बीज बोल रही है। MPP उस भाजपा के साथ सरकार बनाकर यहां पर भी नफरत नफरत लाना चाहती है। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पहनता है, भाजपा उसको देखती है। अभी हरियाणा में, अब मुझे नहीं मालूम ये बात बतानी चाहिए नहीं, आपके हाथ में मोबाइल है, देखिएगा क्या हुआ, लोग क्या खा रहे थे, उनके खाने की वजह से उन्हें मार डाला गया। प्रधानमंत्री कहते हैं इनको इनके कपड़ों से पहचानो, किसी को कपड़ों से पहचान कर पीटा जा रहा है, किसी को कोई क्या खा रहा है उससे उसको मारा जा रहा है। बलात्कारियों को, 3 साल की बेटियों को, ये जो भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट जिसको टिकट दिया है, बेटियों से प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति करवा रहा था, पकड़ा गया। दिल्ली में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला छोड़ेंगे नहीं, मेघालय की बेटियां पढ़ी लिखी अपने पैरों पे खड़ा होती है, ये आदमी उनसे गलत काम करा रहा था, पकड़ा गया। पुलिस ने बेटियों को रिहा कराया, घर भेजा और ये आदमी भागकर उत्तर प्रदेश चला गया, ये BJP का जिसको टिकट दिया है। क्यों गया उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। बेटियां मेघालय से उत्तर प्रदेश बेची गई और ये भाजपा का नेता यहां से भागकर जब पकड़ा गया तो उत्तर प्रदेश गया। किसके पास गया? उसके पास गया जिसको ये हमारी बेटियां बेच रहा था। उसे ये कह रहा था कि मुझे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। पूरी सरकार उसे बचाने में लग गई लेकिन हमने उसको जेल भेजा। लेकिन आज हमें चिंता है कि वो बेल पर बाहर है, चुनाव लड़ रहा है, 3 साल की बेटी का बलात्कारी है।
और एनपीपी उस बीजेपी के साथ यहां पर सरकार चलाती है और दिल्ली में मुंह से लेती है। तो सोचिएगा 27 तारीख को किसे वोट देना है। मैं आपसे मैनुअल बंटवार के लिए कहूंगी आप वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, ताकत दीजिए। 22 तारीख को आप सबसे मुलाकात होगी। श्री राहुल गांधी जी को आप मिलने आइएगा, आपकी बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेघालय। थैंक यू अलका लंबा।